सर सामने। थैंक यू। उसको देख भी लेंगे बट यस इट्स ऑलवेज अ लर्निंग प्रोसेस। जब भी सीखने आए उसे शायद सीखे इतने सारे क्राउड है उनके सामने जज करना कितना मुश्किल और आसान काम होगा। क्लासिकल डांस जो होता है हमेशा बहुत खूबसूरत होता है। भरतनाट्यम इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल डांसेस। और जज दो आई डोंट थिंक इज समथिंग वर्थ जजिंग। आई थिंक व्हाट्स इंपॉर्टेंट इज जो ब्यूटी ऑफ डांस की वो देखनी चाहिए और जो ग्रेस आता है उससे बॉडी में और लास्ट लाइफ टाइम। आई थिंक दैट इज व्हाट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। आई एम एक्सपेक्टिंग सम फैंटास्टिक डांसिंग। अरंगेत्रम परफॉर्मेंस है। आई थिंक अरंगेत्रम तभी आता है जब कोई बहुत डेडिकेटेडली अपने आप को डांस को समर्पित करे और कम से कम 8-10 साल उसमें बिताए। उसके बाद में जो परफॉर्मेंस होती है आई थिंक दैट इज जिसे कहते हैं डायमंड को पॉलिश करके बाहर निकालते हैं। आई थिंक दैट इज व्हाट आई एम गोना सी टुडे। आपने आज यहाँ पर एक डांस भी कोरियोग्राफ किया है, उसके बारे में कुछ बताइए। नहीं, डांस कोरियोग्राफी नहीं की है पर आई थिंक आई नो देम बिकॉज दे आर डांसर्स। डांसर्स की जो होती है फैमिली होती है हमेशा और सब लोग छोटे लोग हैं, छोटी फैमिली है। एंड आई थिंक जब डांस का जो गैदरिंग होती है यहाँ पर सब जो डांस लवर्स आते हैं दैट उसका जो एसेंस होता है दैट इज व्हाट इज इम्पॉर्टेंट टुडे। आर्टिस्ट होते हैं उनको कहीं ना कहीं पे अपने आप को बताने का जो सोचते हैं जो उनका फीलिंग होती है उसको जाहिर करने का बहुत अच्छा मौका मिलता है। आई थिंक आर्ट के थ्रू हमेशा किया जा सकता है। उसको मिसयूज है या करेक्ट यूज़ है आई थिंक दैट इज वेरी पर्सनल क्योंकि आपको जो ठीक लगे शायद किसी और को ठीक ना लगे। सो आई डोंट थिंक दैट कैन बी जज इन एनी मैनर बिकॉज हर आर्टिस्ट रिक्वायर्स अ वे टू प्रेजेंट देमसेल्व्स बी इट गुड और बैड और वो हर मुद्दा उठा सकते हैं। अगर इन्होंने कुछ मुद्दे उठाए हैं और लोग पसंद नहीं आए आई थिंक कहीं ना कहीं पे किसी का पर्सनल इंट्रोस्पेक्शन शायद हो सकता है। आई डोंट नो द होल केस अबाउट इट सो आई कांट रियली कमेंट बट आई थिंक आर्टिस्ट शुड बी अलाउड टू से व्हाट दे वांट टू से इन डिफरेंट वेज। थैंक यू।